हेलो वेलकम बैक, दिस इज इंद्रजीत एंड इट्स अबाउट फोर मोर शोर्स प्लीज सीजन टू। और ये सीजन भी लास्ट सीजन जितना ही हैंकी पैंकी है, तो जो लोग लास्ट सीजन यानी कि फर्स्ट सीजन देख चुके हैं वो आइडिया लगा सकते हैं कि सीजन कैसा होने वाला है। बट हेयर आर फ्यू चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि लास्ट सीजन डायरेक्ट किया था अनु मेनन ने, वाइल दिस वन इज डायरेक्टेड बाय नूपुर अस्थाना, बट राइटर इज द सेम, दैट इज देविका भगत। और यहाँ पर कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हैं सीजन के अंदर, वन इज प्रबल पंजाबी, सेकंड इज समीर कोचर, और भी दो चार हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं। तो हाउ गुड और बैड दिस सीजन इज, ये हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज सीजन टू। सो फॉर सिंपलीफाइंग द थिंग, मैंने इस पूरे सीजन को कैटेगराइज किया है चारों लीड कैरेक्टर्स की लाइफ को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर इस सीजन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट सिद्धि पटेल प्लेड बाय मानवी गागरू। शी इज स्टिल डिस्कवरिंग हरसेल्फ आफ्टर लूजिंग हर वर्जिनिटी फाइनली इन द फर्स्ट सीजन। और हम देख चुके हैं पिछले सीजन में कि चारों का ब्रेकअप हो चुका था और स्टोरी अब चार महीने आगे जा चुकी है। अब वो इस्तांबुल में अपने आप को खोज रही है कहीं पर सिद्धि पटेल, और एक दिन नशे में डेड होकर वो उमंग यानी बानी को कॉल कर देती है, और बानी बाकी दोनों को लेकर इस्तांबुल पहुंच जाती है। एंड इट्स अ रीयूनियन पॉइंट एंड फन बिगिंस। तो पहले एपिसोड के अंदर चारों इकट्ठी हो जाती हैं और फन स्टार्ट हो जाता है। कमिंग बैक टू सिद्धि कैरेक्टर, अब वो थोड़ा चेंज है उसकी लाइफ में, क्योंकि पहले पूरे सीजन में उसकी माँ से बात नहीं करती, फाइनली उसकी माँ उससे प्यार करने लगी है, बट अब उसका बाप उससे नाराज है। दिस वॉज यू नो वेरी चाइल्डिश, मुझे बड़ी हंसी आई, ऐसा होता है क्या रियल में? एनीवे शी इज स्टिल डिस्कवरिंग हरसेल्फ, और वो ढूंढ रही है कि उसे करना क्या है लाइफ में। एंड शी मीट्स अमित मिश्रा प्लेड बाय प्रबल पंजाबी, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, और किसी तरह से वो इसे भी स्टैंड अप कॉमेडियन बना देता है। एंड शी इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन नाउ इन द सेकंड सीजन। और अमित मिश्रा और सिद्धि के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं, बट सिद्धि इज स्टिल स्टक इन हर पास्ट विद द मिहिर। और अमित के साथ सब कुछ हो जाने के बाद भी अमित जब उसे प्रपोज करता है तो वो सोचती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। और किसे चुनती है वो, क्या मिहिर वापस आता है या अमित के साथ ही अपना एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन फ्यूचर वो देखती है, क्या होता है? सो दिस वाज द सिद्धि कैरेक्टर इन सेकंड सीजन। सो नाउ मूव द सेकंड कैरेक्टर, दैट इज अंजना मेनन प्लेड बाय कीर्ति कुलारी। आफ्टर वरुण एंड अर्जुन नाउ हियर इज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, समीर कोचर हु इज प्लेइंग शशांक बोस। अब वो उससे मिलती है, दोनों एक केस में राइवल्स हैं आपस में एक दूसरे के, बट फिर भी दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है। शशांक इज अ मैरिड मैन, बट वो एक ओपन मैरिज रिलेशनशिप में है। ऐसा होता है क्या, ये टर्म्स कहां से आती है? मतलब तो ओपन मैरिज का वो बहाना देकर अंजना मेनन को बहला फुसला कर उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। अंजना मेनन स्टार्ट्स फीलिंग फॉर हिम, और बाद में शशांक की पत्नी को पता लग जाता है और एक मैस क्रिएट हो जाता है। बट क्या होता है अंजना मेनन के कैरेक्टर का और उसकी रिलेशनशिप का, ये पूरा इस सीजन में दिखाया गया है। सो नाउ मूव टू द थर्ड कैरेक्टर, दामिनी रिजवी रॉय एके डी प्लेड बाय सयानी गुप्ता एंड माई फेवरेट। अब मेरी फेवरेट ये क्यों थी, क्योंकि शी वॉज द ओनली वन जो बहुत क्लियर थी अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर अमंग दीज फोर। लेकिन राइटर्स को ये बात नहीं पची और इसे भी मैस में डाल दिया, क्योंकि हम लास्ट सीजन में देख चुके थे कि जे के साथ ये ब्रेकअप कर चुकी है, क्योंकि जे की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है उसकी लाइफ में। देन शी गॉट इंटीमेट विद द अमीर वारसी यानी कि मिलिंद सोमन के साथ, एंड शी इज प्रेग्नेंट नाउ। लेकिन जे वापस आ जाता है इसके प्यार में पड़कर, अब जे को पता लग जाता है कि ये प्रेग्नेंट है और ये बच्चा अमीर वारसी का है, तो अब इसकी लाइफ भी पूरी मैस हो चुकी है। और दूसरी तरफ इसने जो बुक लिखी थी अपनी पूरी investigative.com को छोड़ने के बाद, वहाँ से निकाले जाने के बाद, वो बुक सक्सेसफुल रहती है काफ़ी, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहती है। अब ये दो पहलू इसकी लाइफ में चल रहे हैं, लेकिन जे और आमिर में से किसे चुनती है डी, और जो बुक उसकी कंट्रोवर्शियल है उसको लेकर क्या बनता है, ये पूरे का पूरा दामिनी रिजवी रॉय के बारे में एपिसोड। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बानी, क्योंकि दिस सीजन इज मोर अबाउट बानीज कैरेक्टर। समारा कपूर वापस आ चुकी है उसकी लाइफ में, एंड दे बोथ आर ड्रीमिंग अबाउट देयर मैरिज नाउ। और इनकी जो मैरिज है ये पांचवें एपिसोड, चौथे एपिसोड से लेकर दसवें एपिसोड तक चलती रहती है और चलती रहती है। मैरिज की तैयारियां, मैरिज का फंक्शन, एंड इट्स अ डेस्टिनेशन वेडिंग इन द उदयपुर। तो बहुत लंबा दिखा दिया वो पार्ट सीरियसली, जो हमें काफी ड्रैग लगता है। तो इन दोनों की शादी के ही बीच में बाकी तीनों की लाइफ भी चल रही है, एंड लाइक गोवा उदयपुर में भी सारे पहुंच जाते हैं पता नहीं क्यों। एंड दिस इज द क्लाइमैक्स एंड द लास्ट एपिसोड ऑफ द सीजन। सो क्या होता है उमंग और समारा की शादी का, क्योंकि उमंग स्टार्टेड फीलिंग कॉम्प्लेक्स नाउ, और समारा दोबारा से स्टारडम वाली फील लेने लग गई है। तो क्या शादी हो पाती है या नहीं, या बाकी तीनों के लाइफ में क्या चल रहा है, सारा क्लाइमैक्स है यानी कि 10th एपिसोड। सो दिस वॉज द ब्रीफ अबाउट द फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज सीजन टू। सो नाउ मूव टू द परफॉर्मेंसेज, चारों लीड कैरेक्टर्स हैं जो, इन चारों की परफॉर्मेंस बहुत दमदार है, यानी कि कीर्ति कुलारी से यानी गुप्ता, मानवी गागरू एंड बानी। और
इनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री इतनी सॉलिड दिखाई गई है कि रियल में लगता है कि शायद ये ऐसे ही होंगी और चारों इकट्ठे ही रहती होंगी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो मुझे चारों का काम बहुत उम्दा लगा। इसके अलावा प्रतीक बब्बर एस जे, उनका करेक्टर बहुत लॉयल और बहुत सही है, बट उनका स्कोप इस सीजन में काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द लास्ट सीजन, और मुझे उनका करेक्टर बहुत सीरियसली बहुत बढ़िया लगता है। सो प्रतीक बब्बर बहुत बढ़िया काम है उनका। मिलिंद सोमन, उनका वैसा ही है करेक्टर जैसा लास्ट सीजन में था, और एक्टिंग भी उनकी वैसी ही है, ओके डोके टाइप एक्टिंग है उनकी, बट ऑब्वियसली ही इज़ अ हैंडसम हंक, बट इतना ही है उनको लेकर। सो हियर आर टू वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जिनकी मैं बात कर रहा था, दैट इज़ समीर कोचर। डोंट नो व्हाई ही चोज दिस करेक्टर, क्योंकि ही डिजर्व्स फार बेटर देन दिस काइंड ऑफ करेक्टर्स, और पता नहीं क्यों चूज की, एक्टिंग उनकी ठीक ठाक है, बट दिस वॉज एन अंडरडॉग करेक्टर आई थिंक। इसके अलावा प्रबल पंजाबी, जो कि अमित मिश्रा एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन प्ले कर रहे हैं, उनका स्कोप काफ़ी कम है, बट ही इज़ ओके विद हिज एक्टिंग। इसके अलावा स्पोर्टिंग कास्ट सब ने अपना काम ठीक ठाक किया है, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंसेज। सो एज माई लास्ट वर्ड, फॉर मोर शोज प्लीज सीजन टू, नॉट इवन सीजन टू, बट दिस होल सीरीज इज प्योरली फॉर द अर्बन ऑडियंस एंड नॉट फॉर द मासेस, क्योंकि ये इंग्लिश सीरीज है, नॉट अ हिंदी, क्योंकि 70% कन्वर्सेशन 70% सीरीज ही इंग्लिश में है, तो मासेस का कोई काम नहीं है, और एक अलग लेवल की लाइफ दिखा रखी है। सो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, और मेरा ऐसा कोई कभी सर्कल रहा नहीं, तो एक इमेजिनरी थी मेरे लिए सारा वर्ल्ड जो दिखाया है। बट हाँ, बहुत सी कन्वर्सेशंस हैं इसके अंदर ऐसी जो सिखाती हैं बहुत कुछ, जहाँ से आपको सीखने को मिलता है। ऑब्वियसली कॉमिक सीन्स, कॉमिक पंचेस अच्छे हैं, बट फॉर द क्लास ऑडियंस। सो जो फोर मोर शॉर्ट्स के फैंस हैं वो तो ऑब्वियसली देखेंगे ही ये सीजन, बट जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनके लिए इस जैसे टाइम पास और ओके डोके, बट हाँ देर आर सम डेडली कन्वर्सेशन एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, और यहाँ पर डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, लोकेशंस भी ठीक ठाक ही हैं। तो ये थे मेरे फॉर मोर शॉर्ट्स को लेकर रिव्यूज़। मिलते हैं कल हसमुख के रिव्यू को लेकर, क्योंकि मैं सीरीज अभी देख रहा हूँ, खत्म होने वाली है, तो कल मिलते हैं फिर उसके रिव्यू के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो इफ यू लाइक माई वीडियो तो आपको पता ही है क्या करना है, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।